हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे माल्टा वर्क परमिट के बारे में। तो आज हमारे साथ हैं मेरे दोस्त परमपा जी, तो चलिए स्वागत करते हैं परमपा जी का। परमपा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो परमपा जी आज हम बात करेंगे माल्टा वर्क परमिट के बारे में। जी, जैसे कि अक्सर हम लोगों से सुनते आए हैं कि माल्टा में आया हूँ, मतलब लाइक बिना पेमेंट के आया हूँ, एक पैसा भी मैंने खर्च नहीं किया, बिना एजेंट के थ्रू आया हूँ, तो उसमें कितनी सच्चाई है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, अगर आप बात करें, हम दूर नहीं जाते, जीतने बारे में बात करूंगा। मैं खुद आया हूँ, अप्रैल में आया था मैं इधर। जी, तो मैं खुद मतलब कंपनी ने मुझे स्पॉन्सर किया, मैं डायरेक्ट कंपनी के थ्रू आया, मैंने किसी एजेंसी के थ्रू नहीं आया इधर। जी, तो हाँ पॉसिबल है, लेकिन अगर आप सिचुएशन के हिसाब से बात करें कि जब मैंने अप्लाई किया था तब सिचुएशन कुछ और थी। जी, और अगर बात करें तो अब सिचुएशन कुछ और है, लेकिन पॉसिबल है, लेकिन डिपेंड करता है ना, हमें उसके लिए कुछ ना स्ट्रगल करना पड़ता है, थोड़ा ना ट्राई करना पड़ता है कंपनीज में। तो मैंने ऐसे ही किया था। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि जैसे कि आपने अभी कहा कि पहले सिचुएशन थोड़ी अलग थी, अब सिचुएशन थोड़ी अलग है। जी, तो अब क्या चेंजेस आए हैं इन महीनों में? लाइक जैसे पहले एम्बेसी खुली थी माल्टा, हम सभी को पता है कि 1.5 से 2 साल बाद ओपन हुआ था। बिल्कुल, तो पहले सिचुएशन अलग थी, अब क्या आपको क्या लगता है कि अब क्या बदलाव आए हैं इसमें? जी बिल्कुल, एक्चुअली जैसे आपको पता ही है, सबको पता ही है कि कोरोना के बाद थोड़ा ओपन हुआ था, जो अपना एम्बेसी ओपन हुए थे। जी, तो उसके बाद कुछ कंपनीज को भी उस टाइम रिक्वायरमेंट थी, तो उस टाइम जो थे कम आ रहे थे इधर बंदे। जी, तो जब इन्होंने ओपन किया तो उस टाइम कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने थोड़ा ना उनको बंदों की जरूरत थी, तो हमने ऑनलाइन, मैं काफी टाइम से इस चीज पर रिसर्च कर रहा था, ऑनलाइन जो कंपनी की वेबसाइट्स होती हैं, यूट्यूब पे मैं सर्च करता रहता था। जी, तो मेरा इंटरेस्ट भी था यूरोप के लिए, क्योंकि अभी सबको पता है किसी कंट्रीज हैं यूरोप की। जी, तो मैं ट्राई करता रहता था, ऑनलाइन सर्च करता रहता था, वेबसाइट पे अपना मैंने रिज्यूमे तैयार किया ना, अपना जॉब स्कीम की वेबसाइट पे जाके। तो उसके बाद फिर मैंने जैसे वेबसाइट पे रिसर्च किया कंपनियों के लिए कि कौन सी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो मैंने अलग अलग कंपनीज में अप्लाई किया। जी, अलग अलग प्रोफेशन में। फिर मैं, क्योंकि दुबई में मैं 2 साल से सिक्योरिटी की जॉब कर रहा था, ठीक है, तो फिर मैंने उस पर फोकस किया कि अपना सिक्योरिटी की जॉब के लिए ही ट्राई करूं। ठीक है, तो मैंने फिर सिक्योरिटीज की कंपनी सर्च करना शुरू किया। तो जैसे कि आप दुबई में 2 साल से आप सिक्योरिटी में काम कर रहे थे। जी, तो आपने फिर कंपनीज ऑनलाइन आपने सर्च की कि मैं सिक्योरिटी में ही अगर अप्लाई करता हूँ तो मेरे चांसेस ज्यादा है, लाइक मुझे अप्रूवल जल्दी मिलेगी या मेरा वीजा आने के चांसेस ज्यादा है। सबसे पहली बात तो एम्प्लॉयर मिलना सबसे टफ जॉब है, सबसे टफ है ना, अगर हमें एम्प्लॉयर मिल जाता है उसके बाद ही हमारा जो वीजा प्रोसेस है वो शुरू हो पाता है। बिल्कुल, तो आपको एम्प्लॉयर ढूंढने में कितना वक्त लगा? जी बिल्कुल, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि एक सिचुएशन का क्या इसमें डिफरेंस आया। जी, तो इससे रिलेटेड ही है, मतलब जब मैंने जॉब ढूंढना शुरू किया जी, तो उस टाइम भी इतना इजी नहीं था जी, लेकिन फिर भी उस टाइम कंपनी को उनकी रिक्वायरमेंट थी, उनको बंदे चाहिए थे, और उस टाइम इमिग्रेंट्स इतने नहीं थे, नहीं आ रहे थे। तो उस टाइम मैंने जब कुछ कंपनीज में जो सिक्योरिटी की कंपनी थी, मैंने ऑनलाइन सर्च किए, नाम वगैरह देखे, तो उसमें अप्लाई किया। उनमें से एक मेरी कंपनी थी जिसमें अभी मैं काम कर रहा हूँ, तो उनको उस टाइम जरूरत थी और वो डायरेक्ट उधर से दुबई से बंदों को हायर कर रहे थे। ओके, तो मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया, लकीली ईमेल किया, और जो मुझे कंपनी से रिप्लाई आया, उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो चाहिए थी उनको करवाई। तो धीरे धीरे टाइम लगा, उसमें 3-4 महीने लगे। जैसे ब्लॉगर्स वगैरह हम देखते हैं ना यूट्यूब पे, बोलते हैं 1 महीने में काम हो जाता है, पता नहीं इतना इजी नहीं है, टाइम लगता है। और इवन कि आपने अप्लाई कब किया था? मैंने सर, मैंने लगभग नवंबर और दिसंबर 2021 में उस टाइम स्टार्ट किया था मैंने अप्लाई करना। आपने स्टार्ट किया था, तो आपको ये रिप्लाई कब आया? जी मेरा दिसंबर में कंपनी की तरफ से मुझे रिप्लाई आया था जी, कि बिल्कुल हमें आप डॉक्यूमेंट वगैरह अपने सेंड करें जी, जो जो उन्होंने मांगा था। फिर उस टाइम प्रोसेस स्टार्ट हुआ मेरा दिसंबर में आपका प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो फिर आपकी अप्रूवल आने में कितना टाइम लगा? जी अप्रूवल में मैंने दिसंबर में इन्होंने डॉक्यूमेंट स्टार्ट की, धीरे धीरे इन्होंने अप्लाई किया, जैसे आइडेंटिटी मार्क से हमें चाहिए होता है अप्रूवल लेटर एंड प्रिंसिपल, तो उन्होंने
वो स्टार्ट किया, उसके बाद कई बंदों का जल्दी भी आ गया था अप्रूवल जी, लेकिन मेरे अप्रूवल में 25 डेज, वन मंथ समथिंग लगा जी। मोस्टली जब हम अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हैं तो वो मुझे जो लगता है वो ऑल अबाउट लक है जी। कई बार अप्रूवल 20 दिन में भी आ जाती है, हफ्ते में भी आ जाती है, और समटाइम 3 महीने भी लग जाते हैं जी जी। तो आप लकी थे कि आपका चलो 25 डेज के अंदर अप्रूवल आ गई। तो फिर आपको डॉक्यूमेंट आने में कितना टाइम लगा है, यहाँ से माल्टा से जो आपको एम्प्लॉयर ने डॉक्यूमेंट भेजे जी, तो उसमें कितना टाइम गया आपका? जी बिल्कुल, डॉक्यूमेंट उन्होंने कुछ नहीं, बस मेरा जैसे अभी मैंने आपको बताया उन्होंने एडेंटी माल्टा में अप्लाई किया उन्होंने जी, तो उसके बाद वो तो उसके बाद तो जो है एडेंटी माल्टा ने ही हमें मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपको उन्होंने आपकी अप्रूवल आ गई जी, तो अप्रूवल के बाद आपको डॉक्यूमेंट जो वो कुरियर करते हैं, जैसे आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है जी जी, हाउस कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो आने में कितना टाइम लगा? नहीं एक्चुअली कोरियर मेरा, उन्होंने कोरियर कुछ नहीं किया था। अच्छा, कोरियर उन्होंने कुछ नहीं किया एक्चुअली, उन्होंने जैसे अभी उन्होंने हमें सिर्फ जॉब कॉन्ट्रैक्ट था वो ऑनलाइन ही ईमेल पे सेंड किया था, ईमेल पे किया था, ईमेल किया था उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए थे, जैसे जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके बाद एक एम्प्लॉयर की तरफ से कंफर्मेशन लेटर देते हैं जो जी, वो वाला लेटर हो गया, उसके अलावा कुछ जैसे इंश्योरेंस वगैरह हमने खुद करवाया था, उन्होंने इधर अकोमोडेशन का कुछ हमें नहीं करवा के दिया था एम्प्लॉयर ने, तो हमने बस ये किया था कि उस टाइम पे जैसे होटल की बुकिंग हो जाती है, कुछ वेबसाइट थी उस टाइम पे जी, जो हमें मतलब जैसे 90 डेज का होता है हमारा जी, जो हमें वीजा मिलता है जी, विजिटर वीजा, वो 90 डेज के लिए हमें चाहिए होता है, मतलब सिंगल एंट्री वीजा होता है बेसिक जी, 90 दिनों का, 90 दिनों आप उस दौरान आपने वो होटल बुकिंग लगा दी थी जी, होटल बुकिंग, क्योंकि जैसे अभी इनकी जो वेबसाइट है जी, वो भी हमें उस वेबसाइट पे बताते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप कंफर्म बुकिंग करवाओ जी, आप एक डमी बुकिंग भी करवा सकते हैं, क्योंकि उनको भी पता होता है कि जब हम वीजा के लिए अप्लाई करने जाएंगे जी, तो जरूरी नहीं है हमें वीजा मिलेगा ही, हो सकता है एम्बेसी वीजा रिजेक्ट कर दे, बिल्कुल, तो वो हमें बोलते हैं आप बुकिंग अपनी होटल की बुकिंग और चाहे टिकट भी हम डमी करवा के कंफर्म ना करवाएं जी, तो उनको वो भी दे देंगे, तो वो भी चल जाता है, चल जाती है, तो होटल बुकिंग भी चल जाती है। आपने होटल बुकिंग ही लगाई थी? जी मैंने डमी बुकिंग करवाई थी, तो वही मैंने लगाई थी उसके साथ में, और लेटर जो दिया था उन्होंने कंफर्मेशन लेटर दिया था कंपनी ने, वो साथ में लगा दिया था, बाकी जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कुछ और डॉक्यूमेंट थे काफी डॉक्यूमेंट, वो हम ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे डिटेल मिल जाती है सर जी, तो वो हम अलग से एक डिटेल वीडियो हम बना सकते हैं जो जो हमें डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके अलावा आपको फिर वीजा कितनी देर में आया? आपने VFS जाके फाइल सबमिट करवा दी, कितने दिनों बाद आपको वीजा आ गया था? कोई आपको कॉल आई थी इंटरव्यू के लिए? एक्चुअली इंटरव्यू के लिए मुझे कॉल नहीं आया। अच्छा, तो उस टाइम लेकिन थोड़ा मेरा इश्यू हो गया था, जब मैंने एम्बेसी में अप्लाई किया मैंने VFS की डेट अपॉइंटमेंट ली जी, तो उसके बाद जब मुझे अप्लाई करने के लिए जाना था जी, तो क्या हुआ एम्बेसी की वो जो मेरी अपॉइंटमेंट थी वो कैंसिल हो गई। ओके, अनलकीली हो, बट लेकिन उसका शायद रीजन कुछ और था जी, जिससे वीजा एम्बेसी के तो वीजा प्रोसेस से कुछ रिलेशन नहीं था उनको, शायद कुछ उनका ऑफिस चेंज करना था, कुछ ऐसा रीजन था जी। तो बाद में मुझे कुछ दिन बाद 1 वीक अब समथिंग लेटर मुझे डेट मिल गई थी, डेट मिल गई थी, तो मैंने दोबारा फिर जाके सबमिट किया। आपने फाइल अपनी दुबई में सबमिट करी? दुबई में मैंने इनका ऑफिस है जी, उधर मैंने VFS का जी उधर सबमिट किया था डॉक्यूमेंट अपने सारे। ठीक है, तो आप फिर ये माल्टा में कब आए? जी माल्टा में जी एक बार आपने क्वेश्चन पूछा सर, इसका मैंने आंसर नहीं दिया कि जो टाइम कितना लगा जी, तो जी, मेरा टाइम लगभग 1 मंथ 1.5 मंथ मेरा लगा था, क्योंकि मेरी डेट अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई थी जी, इसकी वजह से ज्यादा टाइम लगा, अदरवाइज वो 15 डेज के अंदर वीजा। तो मैं बिल्कुल मेरा वीजा आ गया था, उसके बाद फिर मैं क्योंकि मेरी जो ट्रैवल डेट थी जी, तो वो मैंने मार्च के लास्ट में डाली थी 31 मार्च को, लेकिन मुझे थोड़ा मैं क्योंकि इंडिया चला गया था जी, तो कुछ मुझे पर्सनल मेरा काम था तो वो करने के लिए, तो उसके बाद मैंने इंडिया से फिर मैं 3 अप्रैल को फिर 3 अप्रैल को माल्टा में आए थे जी। ठीक है, और आपने टोटल आपका कितना खर्चा हुआ है सारे प्रोसेस में? जी ज्यादा नहीं एक्चुअली, जैसे इनकी फीस होती है आइडेंटिटी माल्टा की जो 280 यूरो 50 सेंट फीस है, वो आपने खुद पे की थी जी, और एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस जो होते हैं वो कंपनी ने मेरे से लिए थे जी, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस 50 यूरो 50 यूरो, उसके अलावा जो हमारा इंश्योरेंस वगैरह वो खुद हमें नॉर्मल जो अपने 10 से 15 हजार अगर हम बात करें इंडियन रुपीज में जो लगती है, VFS चार्जेस हो गए, अपॉइंटमेंट के हो गए,
तो वो पे किया, वो मैंने पे किया, टिकट मेरी अपनी थी, टिकट आपकी थी। तो कुल मिला के आपका अगर हम बात करें तो 1 से 1.5 लाख रुपए में बिल्कुल आपका सारा प्रोसेस हो गया जी, बिल्कुल, वो भी बिना किसी एजेंट की हेल्प के, बिना किसी एजेंट की हेल्प, मैंने अपने आप अपना, इतना मुश्किल नहीं है जी। बात है कि हमें ऑनलाइन चेक करना चाहिए, हमें क्या वेबसाइट पे इन्होंने सब डिटेल दिया है, आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए जी, उसमें सब डिटेल है, हम उसमें चेक करके वो डॉक्यूमेंट जो उन्होंने मेंशन किए हैं वो हम उधर प्रोवाइड करेंगे। हमारा वीजा कभी भी उस डॉक्यूमेंट की वजह से कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा वीजा, कोई और रीजन हो तो अलग बात है जी। जी तो आपके साथ तो ये बेटर था कि आपने, जैसे कि आपका एक्सपीरियंस था सिक्योरिटी का जी, तो यहाँ पे भी आप सिक्योरिटी की जॉब ही आपने अप्लाई की, उसी बेस पे आप आए हो, तो आप करंटली अभी भी आप सिक्योरिटी का ही काम कर रहे हैं? जी सर, मैं करंटली अभी भी सिक्योरिटी में ही काम कर रहा हूँ जी। तो आपका अभी तक का कैसा एक्सपीरियंस है, लाइक आपको 5-6 महीने होने वाले? जी 6 मंथ हो गए हैं, लेकिन इसका अभी बात करें कुछ थोड़ा अलग है जी, टाइम तो लगता है, टाइम लगता है अगर मैं बात करूं। एक्सपीरियंस जी बिल्कुल मेरा थोड़ा अच्छा भी है, ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से हम सोचकर आए थे, जैसे कि जैसे हम YouTube पे देखते हैं कोई बोलता है 2 लाख कमा रहा है, कोई बोलता है कि इतने कमा रहा है, इतने कमा रहा है, ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आप कहाँ पे काम कर रहे हो, आपको कितना काम मिल रहा है उस पर डिपेंड करता है। मैंने जो मेरी मैक्सिमम सैलरी है जी, तो वैसे उस चीज के बारे में मुझे नहीं पता कि बात करना सही है कि नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से अभी अगर आपको 1500 यूरो भी मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, अच्छी बात, अच्छी बात है, अच्छी बात है, क्योंकि एक माल्टा हमें भी पता है एक टूरिस्ट कंट्री है, है ना, तो इसमें भी जो ज्यादा मैक्सिमम जो काम रहता है वो मार्च के बाद स्टार्ट होता है और अक्टूबर आते आते खत्म हो जाता है, है ना। अगर आपके पास एक अच्छी जॉब है, है ना, तो आप सर्वाइवल आपका और आसान हो जाता है बिल्कुल सर। और एक्सपेंसेस आपको यहाँ क्या कितना आपका खर्चा हुआ, लाइक जब आप माल्टा आए आपको ऑब्वियसली एक हाउस भी लेना पड़ा होगा, इसके अलावा आपने अपने डॉक्यूमेंट रेडी किए होंगे, आपने कार्ड अप्लाई किया होगा, तो ओवरऑल अगर हम बात करें विदाउट एजेंट की हेल्प के आपके कितने पैसे लगे टोटल, अगर आपने कुछ काउंट किया हो तो? जी सर, जैसे पहले तो हमने बता ही दिया कि जब मैं दुबई में था तो कितना खर्चा हुआ जी, और यहाँ आने के बाद जैसे एक इंश्योरेंस हमें करवाना होता है जी, और मेडिकल अपना करवाना होता है जी, बाकी जो मैंने सिक्योरिटी का लाइसेंस बनाया उसकी कुछ फीस होती अच्छा, है। सिक्योरिटी का भी लाइसेंस आपने बताया जी? बिल्कुल सर। तो आप ये मुझे बताओ कि आपने सिक्योरिटी का जो लाइसेंस है वो कैसे अप्लाई किया यहाँ पे, उसका क्या प्रोसेस रहा और कितने टाइम में आपका सिक्योरिटी का लाइसेंस बन के आ गया? जी एक्चुअली इधर जब मैं आया तो आने के बाद कुछ उसकी जब हम लाइसेंस अप्लाई करने के लिए जाते हैं जी, तो उसके लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए हो, तो हमारी 2 पासपोर्ट साइज फोटो जी, एक कंप्लीट फॉर्म हो गया, PCC हो गई इंडिया की, और यहाँ की सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट जो हमें इधर से ट्रेनिंग मिलती है वो हो गया जी, ठीक है जी, एफिडेविट हो गया, और ये सब चीजें हमें टोटल मिला के कंप्लीट करके जी आपको तो पुलिस स्टेशन में सबमिट करानी पड़ेगी आपको। तो इसमें टोटल कितना प्रोसेसिंग टाइम लगता है कि लाइक आपका जो ID है सिक्योरिटी का वो कितने टाइम में बन के आ गया? जी इसका 45 डेज का टाइम होता है, 45 डेज का टाइम, उसके बाद वो हमें एक लेटर घर पे भेजते हैं जो हम एड्रेस वहाँ पे देते हैं जी, तो वहाँ पे लेटर आता है, अगर बाय चांस हमें लेटर रिसीव नहीं हुआ जी, तो हम 45 डेज कंप्लीट होने के बाद वहाँ पे जाके हम अपना ID कलेक्ट कर सकते हैं, ID कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो परम भाजी एक बात इन लास्ट में आपसे यही बात पूछना चाहूंगा कि करंट सिनेरियो की अगर हम बात करें कितना मुश्किल है बिना एजेंट के आना, ऑनलाइन अप्लाई करके जॉब हासिल करना और यहाँ आना। जी बिल्कुल सर, एक बात रह गई थी बतानी, जो हम लाइसेंस अपनी ID सिक्योरिटी कंप्लीट कलेक्ट करने जाते हैं जी, तो उस टाइम हमें कुछ फीस देनी होती है, फीस देनी होती है जी बिल्कुल, वो कितनी रहती है बताना भूल गया था जी, वो अप्रोक्सीमेटली अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 23-24 यूरो समथिंग फीस, लमसम अगर हम बात करें अप्रोक्सीमेटली तो 20-25 यूरो फीस होती है, वो जब हम ID कलेक्ट करने जाएंगे तब हमें देनी होती है जी बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद हम जैसे आप पूछ रहे थे सिनेरियो के बारे में, अभी जो इधर माल्टा में जो हालात हैं जी, ठीक है, तो बहुत टफ हो चुका है इस टाइम माल्टा में, ठीक है, पहुंचना, आपको वीजा अप्रूवल लेना जी, बहुत टफ हो चुका है। इसका रीजन यही है कि इमिग्रेशन जो है वीजा ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर चुका है जी, इमिग्रेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं माल्टा में, तो उसकी वजह से आज के जो हालात हैं बहुत मुश्किल है जी। अगर हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो हमें इजिली जॉब मिल जाएगी, या हम अभी अप्लाई कर रहे हैं तो हमें कल जॉब लेटर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर हम अप्लाई करते हैं जी तो
हमें पेशेंस रखने पड़ेंगे, उसमें टाइम जाएगा, टाइम लगेगा। तो एक ये प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। अगर हम ऑनलाइन अप्लाई करके आते हैं, नो डाउट आपका, आप खुद अप्लाई करके आए हो जी, आपने खुद कंपनी को ढूंढा है, बट वो पहले का दौर था, थोड़ा चेंज है उस दौर। बिल्कुल सर, लेकिन एक जरूर अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन खुद भी जाके सर्च करें, ऑनलाइन कलेक्ट करें, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जब आपके पास होगी तो आपको और इजी हो जाएगा। आपको वीजा प्रोसेस के बारे में पता होगा, पता होना चाहिए जी, जी। बिल्कुल, तो सर्च जरूरी है, ऑनलाइन चेक करना चाहिए। तो चलो परमपा जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया, तो थैंक यू बहुत बहुत आप सभी का भी, और स्पेशली आपका भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।